इटारसी पुलिस ने पिछले दिनों हुए हत्याकांड को लेकर खुलासा कर दिया है। बीते कुछ दिन पहले शादी में ढोल बजाकर लौट रहे युवकों पर चाकू से हमला किया था, जिसमें 30 वर्षीय विष्णु पिता रामदास की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बचाव करने आए दूसरे युवक मिथुन को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इस मर्डर के मामले में आरोपी मेहरागांव निवासी मंजिले और उसका भाई सैर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुरानी रंजिश के चलते नाला मोहल्ला क्षेत्र में हुए विवाद में शादी समारोह में ढोल बजाकर लौट रहे दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया था। घटना में एक युवक की मौत हो गई थी, दूसरा घायल था। वारदात के बाद दोनों भाई मेहरागांव निवासी मंजिले और सैर सिंह फरार हो गए थे, जिन्हें आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 12 मई की घटना है रात की। एक बारात में जो ढोल बजाते हैं, जो बाराती लोग रहते हैं, निछावर देते हैं जो तारा करके, तो उस निछावर को लूटने के चक्कर में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें विष्णु मोरे नामक युवक की हत्या दो लड़कों ने कर दी थी। तो उसमें शिवशंकर और शेर सिंह ने हत्या की थी और इनको जो है मेहरागांव के पास के रहने वाले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का अपराध ऑलरेडी मतलब जो है इनके खिलाफ पंजीबद्ध है। इटारसी से जीतेंद्र राजवंशी की रिपोर्ट।